जफर हाशमी भाई, आपका पहले तो स्वागत है, इस्तकबाल है कि कुछ लोगों को क्वेरी जो होती है कि YouTube के जी ऊपर एक सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाया जाए, YouTube के ऊपर ऐसे कैसे कंटेंट लिखा जाए कि जिससे व्यूअर, क्योंकि YouTube जो यूज करता है वो सबसे पहले जी उसका उसकी जो नजर होती है उसके सब्सक्राइबर में होती है कि भाई मैं सब्सक्राइबर पे होती है बेशक। ये वीडियो मैं शेयर करता हूँ तो मेरे सब्सक्राइबर, इतने व्यूअर आने के बावजूद सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ते, अगर सब्सक्राइबर बढ़ते तो व्यूअर क्यों नहीं बढ़ते, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। और गूगल के रिगार्डिंग भी जो जिन पहले तो आप बताइएगा कि यूट्यूब और आपके बारे में पहले इंट्रोडक्शन दीजिएगा, जितने भी दोस्त अपने देख रहे हैं उन सबको आपका पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम जफर हाशमी है, जैसा आपने पहले इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। मैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से बिलोंग करता हूं और मैं गूगल एंड फेसबुक से सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूं इन द फील्ड ऑफ एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया। और हबस्पॉट करके जो एक एकेडमी है वहां से मैं सोशल मीडिया सर्टिफाइड हूँ, यानी उसके अंदर जो सोशल मीडिया के एक्सपर्टाइज लेवल की जो स्टडीज होती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया को लोगों ने अभी तक जाना नहीं है कि वो एक्चुअल में है क्या। लोगों को लगता है सोशल मीडिया बस एक एंजॉयमेंट प्लेटफॉर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये काफी हद तक एक अर्निंग प्लेटफॉर्म भी है, लेकिन लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो अभी तक लोग उसे बुरी चीज में तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अच्छी चीज में भी वो बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर उसे और अच्छी तरीके से यूज करा जाए तो हम अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं उसी चीज को जी जी इस्तेमाल जी करके। जी और दूसरा क्या, जो मैं जफर भाई, गूगल जो बोलते हैं, गूगल को ज्यादातर लोग, जी जिनको जिनके पास शायद इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो मैं खुद भी कुछ इंफॉर्मेशन अपने को चाहिए होती है तो फौरन गूगल का अपने इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर जी फौरन सर्च मार के देखते हैं भाई ये क्या, कोई न्यूज भी होती है, जैसा मैं प्रेस से बिलोंग करता हूँ तो उसमें कोई भी अगर न्यूज होती है उसको क्लियरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले कोई भी बंदा अगर खोलेगा तो उसको गूगल का इस्तेमाल तो जरूर करे। अब गूगल का जी जी इस्तेमाल सोशल जो मीडिया के ऊपर जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे यूट्यूब चलाते हैं और जी यूट्यूब जी और गूगल गूगल से कनेक्टेड ही होता है यूट्यूब, तो जी गूगल का लोग सही तरीके से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जैसा कुछ के मैं आपको क्वेश्चन पूछूं तो 1 मिनट में जफर भाई, जी जी उसमें क्या होता है कि गूगल पर रैंक, एक तो होता है गूगल पर रैंक कैसे कर सकते हैं जी और वो अपनी वेबसाइट, एसईओ क्या आता है। एक जी मिनट जी एक एक क्वेश्चन, जी 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 गूगल पर रैंक कैसे कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट ब्रांड अप्रूव और इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में जरा बताइएगा। उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। जो फील्ड होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, वो इस बेस पे होता है कि जैसे मान लो आपकी कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी है या कोई भी कंपनी है आपकी, आपने अपनी एक वेबसाइट बनाई है, ठीक है। अब आपका जो ब्रांड है, मान लो आपने कोई रेस्टोरेंट खोला, लेकिन वो ऐसे रेस्टोरेंट तो हजारों है, ठीक है। आपने वेबसाइट बना दी, लेकिन उस वेबसाइट को जब हम लोग सर्च करते हैं गूगल के ऊपर तो बहुत सारी लिस्टिंग्स निकलती हैं। आप रिजल्ट देखेंगे कि भाई गूगल ने 19,000 रिजल्ट ढूंढे हैं उस चीज के, आपको अलग अलग पेज मिल जाएंगे। तो उस पेज के ऊपर फर्स्ट पेज पे आपको फर्स्ट 3 रैंक के अंदर अपनी वेबसाइट को किस तरीके से लाना, वो होता है एसईओ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला जो बंदा होता है उसका काम यही होता है। उसके अंदर काफी सारी स्ट्रेटेजी यूज की जाती है। मान लो कि हम कंटेंट स्ट्रेटेजी बोलते हैं, टाइटल स्ट्रेटेजी बोलते हैं, अंदर मेटा टैग्स डालते हैं, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर होता है वो भी, उसने भी अपने अपने एसईओ वाले बंदे हायर कर रखे होते हैं, और हर कोई चाहता है कि वो गूगल पे फर्स्ट रैंक करे, क्योंकि खुलते ही अगर मान लो उसकी फर्स्ट रैंक पे है तो अगर बंदा देखता है तो सबसे पहले हम लोग पहली ही साइट खोलते हैं, क्योंकि हमें वो जेन्युइन लगती है, ठीक है। ये 99% लोग इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि लोग सर्च तो करते हैं लेकिन उन्हें एग्जैक्टली ये नहीं पता होता कि वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले बंदे ने काम क्या किया है। साइट बिल्कुल आई बिल्कुल कैसे, पहले 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 रैंक पे जो फर्स्ट साइट हमें दिख रही है वो आई कैसे, वो उसमें लोग गड़बड़ी खा जाते हैं। तो इसमें जो जैसा के कुछ लोग, जैसा वेबसाइट कुछ होती है, हम गूगल के ऊपर सर्च मारते हैं, आप बोल रहे हो कि आपकी वेबसाइट को फ्रंट पर कैसे लाना, कि भाई जी सर्च जी मारे जी तो जी ये आप ये चीज कैसे करते हैं, मतलब जो बहुत सारी चीजें होती हैं अंदर, जैसे कंटेंट स्ट्रेटेजी होती है। मान लो आपकी कोई आपने वेबसाइट बनाई, अब उसका कंटेंट अगर मैं बना रहा हूँ तो आपके पास अपना कंटेंट तो है दिखाने के लिए। आप मान बिल्कुल लें कि अगर आपका रेस्टोरेंट है तो आपके पास अपना मेन्यू है कि आप उन्हें लोगों को बता बिल्कुल सकते हैं कि भाई हमारा रेस्टोरेंट यहाँ पर है, यहाँ पर ये चीजें मिलती हैं और ये उनको बेनिफिट है, क्योंकि ऑडियंस हमेशा अपने बेनिफिट के लिए दौड़ती है। जहां उनको अपना बेनिफिट दिखेगा, जहां उनको अपना प्रॉफिट दिखेगा, इंसान वहीं जाएगा। ये यूनिवर्सल बिल्कुल फैक्ट है। अगर हम जी मान जी लो कि मैंने आपकी कंटेंट स्ट्रेटेजी यूज की और एक अच्छा सा कंटेंट प्रिपेयर किया, एक यूजर फ्रेंडली जी कीवर्ड डाल दिया जो कि हर कोई आम से आम बंदा लिख सकता है। यानी जी अगर हम लोग बिल्कुल कोई कंटेंट स्ट्रेटेजी यूज करते हैं तो हम उस स्ट्रेटेजी देखते हैं जो 15 साल के बच्चे से लेके 60 ईयर्स का कोई एक ओल्ड एज पर्सन है, वो भी वही जो सिंपल और मान लो यूनिवर्सल जो कीवर्ड्स होते हैं वो यूज करते हैं, क्योंकि अगर कीवर्ड रैंक कर गया तो साइट अपना आप रैंक कर जाएगी। तो बिल्कुल इसमें और कंटेंट दूसरी स्ट्रेटेजी बात, आती है। जी
इसमें कंटेंट स्ट्रेटेजी आती है YouTube के रिगार्डिंग भी जो SEO होते हैं वो भी उसी के बेस पे होते हैं, कंटेंट के रिलेटेड और कीवर्ड्स के रिलेटेड। और जो कंटेंट होता है वो तो की है, कंटेंट आपका अगर बेस्ट हुआ तो आपको फिर कीवर्ड्स तो अपने आप रैंक कर जाएंगे उस पे। और दूसरे इनकम कैसे जनरेट करते हैं गूगल से? गूगल से एक्चुअली होता ही है कि गूगल के अंदर एड्स आते हैं, गूगल एड्स, गूगल अपने एडवर्टीजमेंट के पैसे देता है। ठीक है, अब मान लो अगर आपने गूगल के ऊपर एडवर्टीजमेंट की, ठीक है, आपने आपके पास चार प्लेटफॉर्म आते हैं गूगल पे एडवर्टीजमेंट के, आपके पास एक शॉपिंग आती है, अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो वो शॉपिंग एड्स यूज कर सकता है, अगर मान लो मोबाइल एड्स आती है, डिस्प्ले एड्स आती है और सर्च एड आती है। सर्च एड वो होती है जो आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब हम लोग कोई भी वेबसाइट या कोई भी चीज हम गूगल पे सर्च करते हैं तो एक ऊपर एक वेबसाइट आती है जिसके नीचे येलो कलर से एड लिखा हुआ होता है, वो होती है एडवर्टीजमेंट है। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो जो कंपनी ने उस एडवर्टीजमेंट को रखा होगा, जिस कंपनी ने उस एडवर्टीजमेंट को खरीदा होगा, उस कंपनी को उसका रेवेन्यू जनरेट होता है। बिल्कुल जी। और दूसरी बात, कुछ कुछ लोगों को अभी स्टार्टिंग बेस पर अपने बात कर ले, सोशल एक्टिविटीज जो करते हैं जैसे कि एनजीओ होते हैं और जो एनजीओ ट्रस्ट जो कुछ भी होता है, इन लोगों को कभी कुछ लोग ऐसा फॉलोअर शायद हो गए कि वो लोग ऐसे सोशली वर्क करते हो गए या कुछ भी काम करते हो गए, तो उन लोगों के मन में ये सवाल होता है कि वेबसाइट को कैसे बनाया जाए, ऐसे उनको ऐसा कॉन्टेक्ट तो शायद होगा नहीं कोई टच में अगर ना हो, तो क्या उनको आप कैसे गाइड कर सकते हो, क्या ये आप ये जो वेबसाइट बनाना होता है जो डोमेन का होता है ये सर? जी इसमें, हाँ इसमें कैसा होता है, वेबसाइट डिजाइनर्स तो बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, जगह जगह पे अवेलेबल होते हैं, लेकिन उसमें भी दो तरह के वेबसाइट्स बनती है, एक स्टैटिक बनती है एक डायनामिक बनती है। अभी तो इतने सारे यूजर फ्रेंडली टूल्स आ चुके हैं कि बंदा खुद घर पे बना सकता है, बस होस्टिंग और डोमेन्स का उसको पैसा देना पड़ता है, जो ईयरली पैकेज रहता है वो भी अभी तो बहुत कम हो चुका है, तो उसका भी ज्यादा इश्यू रहता नहीं है, बस वो एक वेबसाइट अगर खुद से कोई क्रिएटिव माइंड होता है बंदा तो वो खुद ही बना लेता है, ऐसे सॉफ्टवेयर और टूल्स अवेलेबल हैं, और बाकी तो कोई बंदा हायर कर लेते हैं। SEO का बंदा जो होता है वो अलग होता है, क्योंकि वेबसाइट बन तो जाती है लेकिन उसे गूगल पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपकी वेबसाइट, हाँ आपकी वेबसाइट अगर जैसे किसी बंदे ने बना दी लेकिन उसे फिर उसे रैंकिंग में लाने वाला काम SEO बंदे का होता है। अच्छा 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 जी। और अब यूट्यूब को लेकर एक क्वेश्चन है, मेरा सवाल है, और ये जो सारे जो क्वेश्चन आंसर जो हमारे और हाशमी सर के साथ जो भी डिस्कशन खत्म होगी उसके बाद आप जितने भी फॉलोअर है जो भी शायद देख रहे हैं लाइव देख रहे हैं वो भी जो भी उनका क्वेश्चन हो मन में वो पूछ सकते हैं अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर। YouTube में अपनी चैनल को चैनल तो लोग बना लेते हैं पर लोगों को ये पता नहीं होता कि चैनल मोनेटाइजेशन कब होती है, कितने फॉलोअर होने चाहिए, कितने व्यूअर होने चाहिए, तो जैसा कि यूट्यूब में अपनी चैनल को मोनेटाइजेशन पर कैसे रख सकते हैं? YouTube का मोनेटाइजेशन जो प्लान है अभी उन्होंने पहले ये रहता था YouTube का कि 10,000 व्यूज के ऊपर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता था, यानी वहां से आपको मेल आ जाता था एंड आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाती थी YouTube से। बट अभी फिलहाल जो भी क्राइसिस इतने सारे बढ़ रहे थे, लोग कुछ बॉट्स का यूज कर रहे थे, तो YouTube ने अपनी पॉलिसी 2019 में ये हटा दी थी, जनवरी के अंदर उसने चेंज इस पे ये कर दी थी दैट कि आपको एक साल के अंदर 4,000 घंटों का वॉच टाइम चाहिए अपने चैनल पे Anyhow, वो आपको एक हाँ और आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए ही चाहिए। अगर आपके एक साल के अंदर अंदर ये चीजें आपने अक्वायर कर ली तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है एंड आप उसके अर्निंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आपके सारे वीडियोस जो हैं वो आप मोनेटाइज करके उससे पैसे कमा सकते हो। वो तो है पर लोगों के मन में सवाल ये होता है कि उसको मोनेटाइजेशन जो रखना होता है उसके लिए क्या प्रोसेस करनी होती है? मोनेटाइजेशन की प्रोसेस ये होती है कि जब आपके ये माइलस्टोन जिसे कहते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर का और 4000 आवर्स का वॉच टाइम ये जब आप अक्वायर कर लेते हैं तो YouTube की तरफ से आपको मेल आता है कि आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल है। सब्सक्राइबर 1000 होने चाहिए या 2000 होने चाहिए? नहीं नहीं 1000 सब्सक्राइबर जी, 1000 सब्सक्राइबर। 4000 व्यूअर्स तो चाहे कितने भी हो, बस उसका जो व्यू टाइम होता है एक एनालिटिक्स ट्रेंड, हाँ वॉच टाइम होता है, वॉच टाइम जो है वो 4000 आवर्स का होना चाहिए। 4000 जी। अगर वो चीज हो जाती है आपकी अक्वायर तो आपके पास एक YouTube की तरफ से मेल आता है दैट यू आर एलिजिबल फॉर द मोनेटाइजेशन एंड आप उस मेल के जरिए एक लिंक आती है वहां पर आप अपनी चैनल के सेटिंग्स में जा सकते हैं एंड वहां से आप अपने वीडियोस को एलिजिबल कर सकते हैं। मोनेटाइजेशन का एलिजिबिलिटी पहले नहीं आता, वो डिसेबल बताता है, और बाद में जब आप ये चीज माइलस्टोन अक्वायर कर लेते हैं तो वहां पर अनेबल आ जाता है, तो आप वहां से अपने चैनल को अनेबल कर सकते हैं उस चीज के लिए। और लोगों के मन में तो लोग चैनल तो बनाने को चैनल तो लोग बना लेते हैं पर जिन्हें ऐसा होता है कि भाई मैं वीडियोस तो मैं शेयर करता हूँ
पर वीडियो शेयर करने के वीडियो में तो व्यूअर भी आते हैं पर सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ते। अगर सब्सक्राइबर होते हैं तो मेरे व्यूअर क्यों नहीं बढ़ते, कुछ लोग के मन में सवाल होता है कि कौन से ऐसे कंटेंट मिल जाए इसको। ये चीज इसमें कैसा होता है, दो तरह के इसमें YouTube की जो स्ट्रेटेजी होती है वो पूरी अलग ही है। मान लो आपके पास अपना कोई कंटेंट है, आपने प्रिपेयर किया कंटेंट, अब लोगों ने व्यू किया, ठीक है, आपने सब्सक्राइब करने के लिए कहा तो लोगों ने कर दिया सब्सक्राइब, लेकिन अगर आपका कंटेंट उन्हें पसंद नहीं आया तो वो आपका अगला वीडियो देखेंगे नहीं। सब्सक्राइबर आपके होंगे, सब्सक्राइबर आपके स्टेबल ही रहेंगे, बट आपका व्यूअर्स नहीं बढ़ेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है जब आपके व्यूअर्स बढ़ जाते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, तो वो जो नोटिफिकेशन बार में जो वीडियोस प्ले होती है ना, जो ऊपर हमारे पास एक नोटिफिकेशन आता है, तो नोटिफिकेशन में जो हम लोग वीडियो प्ले करते हैं या रिकमेंडेशन की कोई वीडियो प्ले करते हैं तो उनके व्यूअर्स बढ़ते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो कंटेंट स्ट्रेटेजी हमारी इस तरीके की होती है कि हमें एक कंटेंट इस तरह का प्रिपेयर करना है कि लोगों को अट्रैक्टिव भी लगे और लोग उसका वेट करें। आप बड़े बड़े कोई से भी आप यूट्यूबर उठा लें, जैसे शिरली सेठिया करके जो एक यूट्यूबर सिंगर भी है, वो पहले उन्होंने यूट्यूब प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया था, तो उनका जो भी डेटा रहा था वो इसी तरीके से रहा था कि दैट वो उसके ऊपर वर्क करती थी अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर। धीरे धीरे करते करते उनकी वॉइस इतनी अट्रैक्टिव थी कि लोग व्यूज भी बढ़ते थे उनके और सब्सक्राइब भी बढ़ते थे। एंड देन जो एसईओ टैक्टिक्स जो हैं यूट्यूब के, वो तो फिर आते ही हैं कि भाई आप अपना कीवर्ड्स लगाइए, टाइटल ऐसा यूजर फ्रेंडली रखिए कि ईजिली मिल जाए लोगों को। अगर कोई लोग आप किसी को बताएं कि भाई मेरे चैनल का नेम ये है, तो एक सिंपल सा होना चाहिए, क्योंकि डिजिटल लाइन के अंदर एक फॉर्मूला का नाम कहा जाता है KISS फॉर्मूला, उसका फुल फॉर्म आता है कीप इट सिंपल एंड सोबर। ये चीज हमारी हमेशा ऐसे की रही है कि अगर आप जितना सिंपल और सोबर रहेंगे उतना ज्यादा आपको अट्रैक्टिवनेस खुद ही मिलती जाएगी। जी बिल्कुल। और दूसरा एक और आखिरी सवाल जो है, शायद तो सवाल तो पूछते रहेंगे आप इतने, और डिजिटल मार्केटिंग अभी फिलहाल जो जैसा मोदी जी ने बोला था कि डिजिटल जो है डिजिटल इंडिया का सपना जो मोदी जी ने एक नारा भी शायद दिया था, तो अभी जो सिचुएशन, क्योंकि अभी जैसा लॉकडाउन की बात कर ले, अभी 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा था, तो इसमें काफी लोगों ने डिजिटल जो प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसा कि पे करना हो तो पेटीएम का भी यूज करते हो, गूगल पे का यूज करते हो, डिजिटल मार्केटिंग को लेकर अभी जो यूथ जो है, जो अभी फिलहाल का जो यूथ है, आप इतनी कम उम्र के अंदर, 21 साल के उम्र के अंदर इतना जब कर सकते हैं, तो आप अभी के नेटवर्क अटक रहा है। जी अब आ रहे हैं सही? जी बिल्कुल। डिजिटल मार्केटिंग को लेकर आप अभी के यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग को लेकर? क्योंकि कुछ लोग मतलब डिजिटल मार्केटिंग कुछ लोगों को करना तो होता है, पर डिजिटल मार्केटिंग का जो वो गुजराती में बोलते ना कि पहलू पगथियूं चढ़ू, वो कैसे वो बंदा चढ़ेगा? क्योंकि हमारे जैसा हमने उसके ऊपर स्टोरी पर भी रखा था, हमारा फोटो भी वायरल हुआ था, तो कुछ लोगों ने पूछा था आदिल भाई, हम लोग ने तीन से चार जो अपने फॉलोअर्स है उन लोग ने भी पूछा था कि हम लोग को ऐसा करना है, पर कोई सही हमको गाइडेंस दे ऐसा कोई बंदा हमको नहीं मिल रहा है। तो उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग अगर आजकल के यूथ को स्टार्ट करना है तो उनके पास सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, ठीक है। और अभी जो लॉकडाउन का जैसा आपने बताया जो क्राइसिस चल रहे हैं, उसमें जो यूजर्स थे वो इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि आपको कहीं पे और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको सारी ब्रांड्स एडवर्टीजमेंट, आपको सारी कंपनीज के जो भी कोलैबोरेशन है वो आपको यहीं पे ऑनलाइन ही मिल जाते हैं। और रही बात इंस्टाग्राम और फेसबुक की, वहां पर डेली 1 बिलियन प्लस यूजर्स एक्टिव होते हैं। एक मिनट आपको मैं रुकना चाहूंगा। जी 9161 जो आईडी है, उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा है, मैं उनसे भाई एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे मैं हाशमी सर से मैं डिस्कशन जैसे खत्म कर लूं, मेरे जब क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तब आप अपने कमेंट बॉक्स के ऊपर 1 बाय 1 एक क्वेश्चन लिखना, उसका आंसर जब दे तब आप दूसरे जो फॉलोअर है, जो दूसरे व्यूअर है, वो क्वेश्चन पूछना, आपको आंसर दिया जाएगा। और ये जो एडी भाई, जो एडी 9161, मैं उनको कहना चाहता हूं कि अभी फिलहाल के लिए उनका क्वेश्चन पेंडिंग रखते हैं, जैसे डिस्कस खत्म हो जाए इसे आप फौरन वापस से कॉपी पेस्ट कर देना आपके क्वेश्चन। जी कंटिन्यू हाशमी सर। जी तो मैं ये बता रहा था कि डिजिटल मार्केटिंग का जो रेशियो रहा है अभी इंस्टाग्राम और ये फेसबुक, इन दोनों पे 1 बिलियन प्लस यूजर्स रोज एक्टिव होते हैं। अगर मान लो कि कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करता है फ्रॉम सोशल मीडिया, अगर वो सोशल मीडिया को अपना मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बनाता है, तो उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो वहां से रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। इधर वो इन्फ्लुएंसर बन सकता है, क्योंकि आजकल इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज्यादा एक्टिव रह रहे हैं और बहुत ज्यादा कमा भी रहे हैं इस चीज को, क्योंकि हर कोई, अगर मान लो कोई बंदा सोशल मीडिया स्टार्ट कर रहा है, तो अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसको वो सोशल मीडिया एज अ फन यूज कर रहा है,
लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम जा रहा है उसे पता चल रहा है कि सोशल मीडिया का अभी जो भी, क्योंकि आपने भी लॉकडाउन के टाइम पे देखा होगा सारी ब्रांड्स और एडवर्टीजमेंट अपना सब कुछ लगा दिया था उन लोगों ने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट में, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन हो गया था। तो अब ये चीज जो एड जनरेट होती है, तो एड से भी उनका रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो उनको कहीं ना कहीं जो बेनिफिट दे रहा है। तो अगर हम लोग उनका एक मीडियम बन जाते हैं, हम लोग एक कोलैबोरेशन कर लेते हैं उन कंपनी के साथ कि भाई मेरा ये सोशल अकाउंट है, यहाँ पर मैं आपकी जो भी प्रोडक्ट्स है मैं उसकी पोस्टिंग करने के लिए तैयार हूँ, उसकी मार्केटिंग में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे करेंगे, क्योंकि कंटेंट तो वो पूरा बना के देते हैं, हमें सिर्फ पोस्ट करना होता है, ठीक है। उसमें अगर हम लोग शेड्यूल पोस्टिंग कहते हैं जिसे, कि भाई 30 डेज की जो शेड्यूल पोस्टिंग होती है पर डे की, कि भाई स्टोरी मान लो इंस्टाग्राम के हमने 4 रखी और जो पोस्ट है वो 6-6 घंटे के टाइम पे हम एक 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 पोस्ट कर रहे हैं, उनका जैसा उनका हिसाब से उनका शेड्यूल करना हो, अगर हम उनका ये पेज मैनेज करते हैं तो हम उस चीज के उससे वो लोग हमें पैसे देते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग इस तरीके से होती है। अगर मान लो मैं अफिलिएट लेता हूँ, अफिलिएट मार्केटिंग अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ता हूँ, तो मैं अपने सोशल मीडिया को अफिलिएट मार्केटिंग में किस तरीके से बदल सकूंगा कि भाई मैं उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं मैं सामने वाले को सेल करूंगा, तो वो मेरा, अगर मैं सोशल कॉन्टेक्ट बनाने में एक्सपर्ट हूँ, मान लो अगर मेरा कोलैबोरेशन, मेरा कॉन्टेक्ट बनाने का जो तरीका है सोशल मीडिया के ऊपर वो ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो कोई भी लोग उससे अक्वायर करके खरीद सकता है, और जैसे अगर वो कोई खरीदेगा उनसे कोई भी चीज अगर कोई परचेस करता है तो उसका जो भी कमीशन अमाउंट होता है वो सोशल मीडिया मैनेजर को मिलता है, तो इस तरीके से भी अर्निंग होती है। और व्यूअर जो होते हैं, कभी कभी व्यूअर तो चैनल जो होती है वो मोनेटाइज तो हो जाती है, पर चैनल मोनेटाइज हो जाने के बाद व्यूअर्स भी मैक्सिमम हो जाते हैं, क्योंकि व्यूअर्स के ऊपर जैसे हमारी बात, मुझे पता है तब तक कि जब उस पर जो एड जो रखी जाती है वो जब तक कोई भी व्यूअर एड को अगर वो सीन नहीं करता तो उसको इनकम जनरेट नहीं होती। और कुछ लोग होते हैं कि वन लाख क्रॉस मेरे व्यूअर्स हो गए पर मुझे इतनी सारी इनकम जनरेट क्यों नहीं होती, उसका कोई रीजन? एक्चुअली ये डाउट 90% लोगों को है, ये 90% लोग इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि उनको यूं लगता है कि चैनल मोनेटाइज होने के बाद हमें इनकम यूट्यूब वाला देगा, जबकि ये चीज गलत है। ये एक्चुअली में है ये कि जो यूट्यूब आपका जब मोनेटाइज हो जाता है तब आप उसको अपनी चैनल को एडसेंस से कनेक्ट करते हैं, गूगल एडसेंस से, और वहां से आप अपनी एडवर्टीजमेंट अपने वीडियोज के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। तो जो बंदा हम जो हमारी जो एडवर्टीजमेंट हम लोग स्किप कर देते हैं, यूजुअली हम लोग स्किप कर देते हैं जो 5 सेकंड की जो आती है उसके बाद हम स्किप करते हैं, अगर कोई बंदा उस एड को देख के उस पर क्लिक करता है उस लिंक पे, तो उसका पैसा उस यूट्यूबर को मिलता है, उससे बिना नहीं मिलता, ठीक है। और सबसे आखिरी सवाल अपना, आखिरी सवाल जी, जी इतनी कम उम्र में, जी इतनी कम उम्र में आप प्रोफेसर को गाइड करते हो, ठीक है जी हाँ, और प्रोफेसर जब आपको सर करके बुलाते हैं तो आपको कैसा फील होता है? अच्छा ही लगता है कि भाई अगर हम लोग मान लो कि कहीं पर ऐसे खड़े हैं और कोई सामने जब बताता है या कोई ऐसी इस तरीके से हमसे बात करता है तो मजा ही आता है, अच्छा ही लगता है देख के कि भाई हमने, हमारे पास कुछ ऐसा है जो हम किसी को दे सकते हैं, तो उस पर मुझे और ज्यादा अच्छी फीलिंग आती है दैट मैं, चलो मेरे पास ऐसी कोई चीज है जो मैं लोगों को दे के उनकी मदद कर सकता हूँ। तो नॉलेज जो है वो कहीं से भी अक्वायर कर लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये जो डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग कुछ शायद आपके ऊपर भी हमने जब वो रखी थी स्टोरी रखी थी, आपने भी रखी थी और हमने भी रखी थी, हमारे पर्सनल के ऊपर कुछ दोस्त ऐसा भी पूछते थे कि भाई हमको डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत करनी हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो मार्केटिंग किसी को शुरुआत करनी हो तो कैसे कर सकते और आप उसको कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं? मैं ये बता सकता हूँ दैट मैं जो मैंने जैसे मैंने बताया था मैं आज के लाइव सेशन का ही वेट कर रहा था। एक्चुअली मैंने अपनी बुकलेट लिखी है, छोटी सी है, 28 पेजेस की मैंने बुकलेट लिखी है सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड, जिसको डिजिटल लाइन में डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड अगर किसी को स्टार्टअप करना है या उसे सीखना है कि बेसिक में है क्या, तो मैंने उसके अंदर 6 प्लेटफॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है, उसकी जो 100% वर्किंग स्ट्रेटेजीज हैं, जो भी सारी क्वालिटीज हैं, जो भी क्वांटिटीज और स्टैटिस्टिक्स जो स्ट्रेटेजी यूज होती है उस चीज को लेके, तो वो सारी मैंने अंदर अपने उसमें बुक के अंदर लगाई हुई है। तो अगर कोई चाहता है तो मैं उसको कोई मुझे पर्सनली आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं उस चीज को लेके कि सर हम लोग बुक के लिए आए हैं, तो मैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है मैंने, मैं वहां पर आपको शेयर कर सकता हूं और जिसको भी चाहिए और वो लेके अपना पढ़ के और अगर कुछ डाउट हो तो वो मुझे रिवर्ट कर सकता है, मैं उसको उसकी हेल्प कर दूंगा। जी बिल्कुल। अब शॉर्ट में आप बता दीजिएगा यूट्यूब का जो भी हमारा जो 4 क्वेश्चन है शॉर्ट में बता दीजिए, क्योंकि अभी वीडियो को पोस्ट भी करना है और बीच में नेटवर्क ब्रेक होने की वजह से, जैसा कि पहला जो हमारा क्वेश्चन था गूगल पर रैंक कैसे कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट ब्रांड अप्रूव और इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में एकदम शॉर्ट में।
यूट्यूब गूगल पे जो हम वेबसाइट रैंक करते हैं तो आप एसईओ यूज कर सकते हैं, एसईओ की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, कंटेंट स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, कीवर्ड आप अच्छे से लगा सकते हैं, मेटा टैग्स यूज कर सकते हैं। जो टूल्स हैं एसईओ के, आप सेमरश यूज कर सकते हैं जो कि पेड वर्जन है, बट कुछ हद तक आपको एक दिन का एक डोमेन आपको फ्री में देखने को मिल जाता है उस पर। तो एज अ स्टार्टअप आप उसके ऊपर जाके आप देख सकते हैं किस तरीके से वर्क होता है, अंदर आप कीवर्ड्स देख सकते हैं, आप कीवर्ड्स रैंकिंग देख सकते हैं, आप ट्रेंड पे जाके आप अपना गूगल एनालिटिक्स जो है उस पे से जाके आप एनालिटिक्स कर सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड और कौन सी वेबसाइट कब रैंक कर रही है, किस तरीके से रैंक कर रही है, आप उसको किस तरीके से अपने उस पे अप्लाई करके देख सकते हैं। आप कॉम्पिटिटर्स के भी आप देख सकते हैं, अगर कोई कॉम्पिटिटर है मान लो आपका, तो आप उसके कीवर्ड्स हैं जो भी उनकी रैंकिंग स्ट्रेटेजी, आप उस पे देख सकते हैं कि उन लोगों ने किस तरीके से मेहनत की है उस चीज पे, तो आप वो ही चीज अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, उस पर मेहनत कर सकते हैं। देन जैसे जैसे आप धीरे धीरे इस फील्ड में आते जाएंगे तो आप खुद की स्ट्रेटेजी बनाते जाएंगे, आप खुद का सारी चीजें तैयार करते जाएंगे, तो जो कंटेंट होगा उस तरीके से आपको आइडियाज अपने आप ही आते जाएंगे जहन में। पर इसके लिए आपको सीखना जरूर पड़ेगा। यूट्यूब को लेकर जो सवाल था हमारा, क्वेश्चन था पहले भी कि यूट्यूब में अपने चैनल को मोनेटाइजेशन पर कैसे रखी जाती है। यूट्यूब मोनेटाइजेशन तो आप अपना कंटेंट जो है वो ओरिजिनल रखें, क्लियर रखें, कम्युनिटी जो गाइडलाइंस हैं यूट्यूब की उसको हर्ट ना हो, वरना आपके पास अगर कम्युनिटी स्ट्राइक आ जाता है या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है तो 3 strikes के बाद आपका चैनल बैन हो जाता है, आपका चैनल बंद हो जाता है। तो उस चीज को आप मद्देनजर रखते हुए आप अपना कंटेंट ओरिजिनल और क्लियर बनाएं, 18+ कंटेंट ना हो इस चीज का ध्यान रखें, और कोई भी सेंसिटिव कंटेंट, 18+ कंटेंट जो डलते हैं न्यूडिटी के, 18+ कंटेंट जो डालते हैं, कम्युनिटी के कंटेंट डालते हैं, राइट्स जिससे जनरेट होते हैं, तो पॉलिटिकल जो कंटेंट होता है वो भी अगर आप ना डालें तो बेहतर है। आप अपना कंटेंट बिल्कुल क्लीन रखें, क्लियर रखें। फिर अगर कॉपीराइट उसने स्ट्राइक कर दी तो आपका चैनल बैन हो सकता है उस चीज को लेके। जी बिल्कुल। और लोग चैनल तो बनाते हैं पर कुछ लोग होते हैं ना कि जिन्हें कि भाई सब्सक्राइबर हमारे ज्यादा है पर व्यूअर नहीं है, पर व्यूअर है पर सब्सक्राइबर नहीं है, जी, इसके जी, बारे में आप क्या लोगों को गाइड करोगे कि जैसे सब्सक्राइबर को कैसे, सब्सक्राइबर और व्यूअर को कैसे जनरेट किया जाए, कैसे आप जो कंटेंट है उसको लिखोगे, जो भी है उसके बारे में थोड़ा बताइए। सब्सक्राइबर जो है, सब्सक्राइबर एक आपका जो एक एक सब्सक्राइबर होता है वो बहुत कीमती होता है। अगर मैंने कोई चैनल बनाया है तो मैं ये चाहूंगा कि अगर मेरे पास 300 सब्सक्राइबर भी हैं तो वो ऐसे मेंटेन रहना चाहिए कि उन्हें मेरा कंटेंट के लिए वेट करना पड़े। तो मेरे पास जो कंटेंट है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए सबसे पहली चीज, जिससे वो सब्सक्राइबर मेंटेन रहे। अगर वो मेंटेन रहेगा, मान लो हम आज की बात करें तो अगर आपने कोई चीज, कोई सी वीडियो देखी तो आपको अगर वो अट्रैक्टिव लगी तो आप 10 लोगों को शेयर करोगे, अगर आपको वो चीज आप ही को पसंद नहीं आई तो आप उसे डिसलाइक करके आप हटा दोगे। तो आपका जो एक, एक क्योंकि सब्सक्राइबर जो होता है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कहते हैं हम कि कंट्रीब्यूशन होता है आपकी चैनल को प्रमोट करने में, क्योंकि वो लोग जो होते हैं ऑडियंस जो होती है वो खुद से खुद का ओपिनियन होता है और ऑडियंस ओपिनियन ही चैनल को रैंक करवाता है। तो अगर आपकी ऑडियंस आपसे खुश नहीं है तो आपका चैनल रैंक नहीं कर सकता, अगर आपकी ऑडियंस ही आपसे खुश है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। जी हाशमी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। अब एक जो भी, अब जिस किसी को भी अगर क्वेश्चन हो वो कमेंट को बॉक्स के अंदर क्वेश्चन लिख, आपका आंसर हाशमी सर अच्छी तरीके से दे सकेंगे। जैसा कि लास्ट में एक विनायक जी ने कमेंट की थी, विनायक आज यू देख सकते हो, आप कमेंट देख सकते हो, आर यू जी, मैं देख रहा फुल स्टैक डेवलपर, नहीं मैं फुल स्टैक डेवलपर नहीं हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, सोशल मीडिया मैनेजर हूँ और एसईओ एक्सपर्ट हूँ। जी एफजेड मलिक कुछ पूछ रहा है, वेयर टू चेक यूट्यूब रैंकिंग्स, वेयर टू चेक यूट्यूब रैंकिंग। अगर आप पीसी से वर्क कर रहे हैं तो पीसी के अंदर आपका चैनल का मोनेटाइजेशन का पास में एनालिटिक्स आता है, जो साइड में सेटिंग्स आती है जहां पर आपका चैनल का पूरा डैशबोर्ड वगैरह दिखता है, तो आप चैनल के डैशबोर्ड में जाके वहां पर साइड में एनालिटिक्स के बार्स दिए होते हैं या तो आप उस पर लिखा हुआ भी होता है एनालिटिक्स, वहां पर जाके आप अपने यूट्यूब की रैंकिंग्स देख सकते हैं, आप अपने यूट्यूब का एनालिटिक्स देख सकते हैं कि आपका वीडियो कितना रैंक कर रहा है, आपका कौन सा कीवर्ड कहां रैंक किया था, कौन से दिन को रैंक किया था, ये सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। जी और किसी को भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, यूट्यूब और गूगल के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन होना चाहिए। इसके बाद जो सेशंस होगा वो शायद हमारा उसका जो इंस्टाग्राम होगा और फेसबुक होगा, उसका जो सेशन होगा लाइव सेशन वो होगा इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर। नाइस जी विनायक, बहुत बहुत शुक्रिया विनायक जी।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग को जॉब नहीं, तो चलो ठीक है, तो मजाक में कुछ लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग को जॉब नहीं है तो क्या करें? अगर आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज है तो आप क्वालिटी एनालिसिस डिजिटल वे में कर सकते हैं, आपको सोशल मीडिया उसे यूज कर सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी। मैं आपको 10 तरीके ऐसे बता सकता हूं जिसमें आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड ही आप सोशल मीडिया से इनकम जनरेट कर सकते हैं जी। और किसी को भी क्वेश्चन हो तो अंदर जो कमेंट बॉक्स है उसमें टाइप। ये देखिए लास्ट जो आया है मुजीब भाई। YouTube पे वीडियो एडिट और टाइटल के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए? YouTube पे वीडियो एडिटिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्री सॉफ्टवेयर अगर आपको यूज करना है और आपको यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर यूज करना है, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ वो है फिल्मोरा 9, जो कि बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है। आप डायरेक्ट वंडरशेयर फिल्मोरा की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जो आपको जो एडिटिंग आप, मैं यूं कहूंगा बहुत ज्यादा प्रोफेशनल तो नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ हद तक प्रोफेशनल एडिटिंग आपको मिल जाएगी उससे। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कि प्लान आपका जो भी एक्टिवेशन की का जो प्लान है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एडोब प्रीमियर ले सकते हैं, उससे बेस्ट सॉफ्टवेयर तो कोई है ही नहीं जी। और कोई क्वेश्चन हो तो जरा आप पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो आपका आंसर हाशमी सर अच्छी तरीके से दे सकेंगे इसके बारे में, जो भी डिजिटल जो होता है उसके बारे में, गूगल और यूट्यूब के रिगार्डिंग, सिर्फ और सिर्फ गूगल। और ऐसे क्वेश्चन मत पूछना कि देखिए रिजवान हमारे खास दोस्त है आसमी भाई, रिजवान भाई 458 सोशल एक्टिविटी के अंदर बहुत अच्छे इंसान, उनका जरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। गूगल पर हमारा डेटा कितना सेफ है, मीन्स कि हम जो सर्च करते हैं और जो गूगल में हम डेटा रखते हैं वो। इसका मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूं कि YouTube के पास लाखों जितने लोग दुनिया में उन सबका डेटा उसके पास अवेलेबल है। कैलिफोर्निया के अंदर जो गूगल की जो ऑफिस है वहां पर डेटा सारा स्टोर होता है पूरी दुनिया का। आप जो चीज सर्च कर रहे हैं, आप जो चीज रख रहे हैं, वहां पे सिर्फ एक ही बंदा होता है जो वहां का सुपरवाइजर एडवाइजर होता है, वो ही सिर्फ जाता है अंदर, उसी को अलाउ कर रखा है गूगल ने कि वो ही बंदा जाके अंदर चेक करेगा। और वो बंदा इतना, उसको क्या पड़ी है आपके डेटा से? और वैसे तो डेटा सिक्योर है गूगल पे, 100% डेटा सिक्योर है, क्योंकि सिक्योरिटी लेवल अगर गूगल नहीं देगा तो फिर कौन देगा, किसके ऊपर हम लोग रिलाय करेंगे? और गूगल की जो सर्च इंजिन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट सर्च इंजिन है, अभी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है गूगल ने, तो आपका डेटा कहीं नहीं जाने वाला, आपका डेटा सिक्योर है और इसकी गारंटी गूगल खुद लेता है। जी और क्वेश्चन हो, 5 मिनट है, सिर्फ 5 मिनट के अंदर जिस किसी को भी क्वेश्चन करना हो कर सकते हैं, फिर 5 मिनट के बाद ये जो हमारा जो लाइव सेशन है वो खत्म हो जाएगा। जिस किसी को क्वेश्चन करना हो वो कमेंट बॉक्स के ऊपर अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चन का आंसर अगर सही क्वेश्चन होगा, जेन्युइन क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। जी जी बिल्कुल, गूगल सर्च पर लोकल पीपल्स के भी नेम आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं, क्योंकि गूगल माय बिजनेस से वो लोग अप्रूव करवा चुके होते हैं अपनी वेबसाइट्स। आप सर्च करिएगा, आपको लोकल जो स्टोर्स होती हैं वो भी कई दफा आपको मिल जाती हैं गूगल के ऊपर, क्योंकि गूगल में अभी रिसेंटली ये अपडेट है, आपको अगर ना पता हो तो मैं आपको बताऊं कि गूगल ने नया अपडेट लाया है, गूगल जो उसने मार्च के अंदर लॉन्च किया था कि जिनकी भी वेबसाइट्स, जो भी साइट्स अगर गूगल से अप्रूव नहीं हुई है तो ये June 22 को गूगल सारी वेबसाइट्स हटा देगा जिन जिन की अप्रूव नहीं हुई है वो। तो अगर आप में से किसी की वेबसाइट और जफर सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा, ये जो डोमेन जो होगा, जो डोमेन कुछ 6 या 7 महीने कुछ डोमेन शायद होता है उसकी वैलिडिटी होती है, तो और दूसरा कि जिन लोगों ने नई वेबसाइट जो बनाई होती है उन पर ये सारी चीजें लागू? जी बिल्कुल होंगी, अगर आप एक दिन पहले भी आप वेबसाइट बनाएंगे तो उसको आपको गूगल माय बिजनेस से अप्रूव करवाना पड़ेगा कि आप किस चीज की वेबसाइट बना रहे हैं, तो आपकी वेबसाइट पहले गूगल जो क्रिएटर है उसके ऊपर आपको गूगल माय बिजनेस पे आपकी बिजनेस पूरा दिखाना पड़ेगा, आपकी वेबसाइट दिखानी पड़ेगी, वहां से आपको अप्रूवल मिलता है और उसके अप्रूवल मिलने के बाद ही आपका जो भी डेटा है वो गूगल पे रहेगा स्टोर्स का, वेबसाइट का। सर YouTube वीडियोस का कंटेंट कैसा होना चाहिए जो YouTube वीडियो यूट्यूबर मूव ना करे YouTube? अच्छा, YouTube का जो आपका कंटेंट होगा वो आप कम्युनिटी गाइडलाइंस जो होती हैं कि जैसे वो चाइल्ड अब्यूजिव नहीं होना चाहिए, वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, फैमिली कंटेंट होना चाहिए, जिसको आप कहते हैं कि जो कंटेंट है वो पारिवारिक होना चाहिए सबसे बड़ी बात, जो सारे मिलके एक साथ देख सकते हो ऐसा होना चाहिए, और ओरिजिनल होना चाहिए और खुद का कुछ इनोवेटिव होना चाहिए। जब तक वो कंटेंट इनोवेटिव नहीं होगा तब ये जी एक जी। जो है डिजिटल मार्केटिंग की इनकम कैसे होती है,
डिजिटल मार्केटिंग की इनकम ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिफरेंट होती है. ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम जो हमें सेल्स करना होता है वो वही चीज हम लोग ऑनलाइन करते हैं. डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अफिलिएट मार्केटिंग आ जाता है, जिसके अंदर आप अफिलिएट बन सकते हैं, अफिलिएट एसोसिएट बन सकते हैं किसी कंपनी के. मान लें कि जैसे मेरी कोई कंपनी है और मैंने आपको, आप अफिलिएट प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ जुड़े हैं, ठीक है. अब मेरी प्रोडक्ट है 1000 रुपए की, अब मैं आपको वो देता हूँ कि आपको वो सेल करनी है, ठीक है. उसका MRP निकलता है 800 रुपीज का, तो आप अगर उसे सेल करते हैं तो मैं उसका जो कमीशन रहता है, रेस्ट ऑफ द अमाउंट रहता है, वो आपको जाता है. तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं आप उसमें. गूगल पर अपनी वेबसाइट जो बोलते हैं ना, वेबसाइट बनानी हो तो क्या करें, कैसे बना सकते हैं? गूगल के ऊपर आप गूगल वेब मास्टर से बना सकते हैं. और जो अगर आपको वर्डप्रेस अगर आप यूज कर सकते हैं तो वर्डप्रेस आप देख सकते हैं, वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, यूजर फ्रेंडली है, आप इजीली बना सकते हैं उस पर. आपको ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है, ये ठीक है. और ये जो एडमिन 9161 ने जो क्वेश्चन पूछा, उसका आप देखिए, क्वेश्चन सिर्फ सिंपल कर लीजिएगा, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है. हाउ कैन वी लर्न एंड नो अबाउट, एक सेकेंड, हाउ कैन वी लर्न एंड नो अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग, सम गाइडेंस अबाउट दैट. डिजिटल मार्केटिंग की गाइडेंस मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताया, शायद आपने देखा होगा कि मैंने अपनी खुद की एक बुक अभी लॉन्च की है इसी लाइव सेशन पे. तो अगर आप चाहें तो आप मेरे से वो ले सकते हैं, आप उसका स्टार्ट, आप वो पढ़ के उसका आप थोड़ा अप्लाई कर सकते हैं. और रही बात फुल कोर्स की, अगर आप लोगों को वो सीखना है तो मैं खुद उस चीज को सिखाता हूँ. तो अगर आप लोगों को एनरोल होना है मेरे कोर्स में तो आप फटाफट से आप मुझे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको ऑनलाइन सेशन के लिए आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, जो कि मैं खुद करवाता हूँ. जी, YouTube चैनल को मोनेटाइज करते वक्त कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, ये क्वेश्चन एक मुझे YouTube कंटेंट को. जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि 99% लोग इस चीज को गलती कर देते हैं. YouTube की चैनल जब मोनेटाइज होती है तो आपको जो भी अपना चैनल का जो कंटेंट है वो ओरिजिनल ही रखना है उस वक्त तक. आप किसी और का कंटेंट कॉपी नहीं कर सकते, किसी और लिंक डालते वक्त जब आप Google AdSense से अपनी चैनल लिंक करते हैं तो उसके अंदर आप लिंक करते वक्त आपको कोई गलती नहीं करनी अपने चैनल का इन्फॉर्मेशन डालने में. और जैसा जैसा आपका चैनल है, जैसी जैसी सारी चीजें, जैसी जैसी डिटेल्स आपके पास हैं, वो उसी तरीके से डाले जैसा उसने पूछा हुआ है. तो उस चक्कर में क्या होता है, कभी कभी अगर कोई गलती हो जाती है या फिर ईमेल एड्रेस में, तो वो अप्रूवल नहीं देता. उसके बाद अगर आप उस चीज से अप्लाई करते हैं तो वो यूट्यूब के जो क्रिएटर्स होते हैं उनको ऑड लगता है, तो बहुत सी दफा बैन हो जाता है और मोनेटाइज नहीं हो पाती चैनल. और अपना जो वीडियो और जी आपके चैनल का नेम बता, आपके चैनल का नेम बता देना ताकि कुछ सीख सके. मेरा चैनल का नेम मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी मैं उसके ऊपर कोई वर्क नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास फिजिकली करने के लिए वर्क बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं अभी जो भी मेरे सेशन चल रहे हैं वो ऑनलाइन ही चल रहे हैं, तो मैं अभी कम्प्लीटली अपनी चैनल के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ. लेकिन जैसे ही मैं शुरू करूंगा सबसे पहले आप लोगों को बता दूंगा, और मैं लॉन्च करूंगा तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी. जी, ये FZ मलिक बोल रहा है, हाउ मच कॉस्ट रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वेबसाइट इन इंडिया? How much cost it take to build a website in India? देखिए, वेबसाइट 5000 की भी बनती है और 50000 की भी बनती है. आपके ऊपर आता है कि आपके पास बजट कितना है. आप अगर स्टेटिक बनाना चाहते हैं तो वो 5000 की भी बन जाती है, 7000 की भी बन जाती है. वेबसाइट डेवलपर्स इतने सारे हैं कि जो बना देते हैं. आपको अच्छी सी वेबसाइट चाहिए तो वो अच्छा सा पैसा जाएगा, सिंपल बात है. जी बिल्कुल, हाशमी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया. और जितने भी फॉलोअर हैं, जिन लोगों ने हमारे इस लाइव सेशंस को देखा और जिन लोगों ने क्वेश्चंस किए, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर शायद ये लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़े हो गए. जो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो सेशन होगा इंस्टाग्राम और फेसबुक, है ना सर? इंस्टाग्राम और फेसबुक का सेशन होगा. उसके अंदर इंस्टाग्राम और फेसबुक को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए वो सारे, मतलब जो भी डिस्कशन हो, वो जो भी आप क्वेश्चन हो आप अपने क्वेश्चन से नोट कर रखना. जल्द ही कुछ ही दिनों के बाद हम ये जो सेशन है इंस्टाग्राम और फेसबुक के रिगार्डिंग वो सेशन को लाइव लेंगे. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. और मैं आपको एक और एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी फॉलोअर्स हैं और जो भी डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कैसे किया जाए, तो आप जफर हाशमी सर का जो अकाउंट है, इंस्टाग्राम जो अकाउंट है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं. वहां पर भी आप क्वेश्चन करके 100% उनकी ओर से क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, और आपको कैसे डिजिटल मार्केटिंग शुरू किया जाए उसके रिगार्डिंग गाइड भी किया जाएगा, ठीक है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल.
जी जी क्या आपका कॉन्टेक्ट आपका आपको आपके कॉन्टेक्ट में रहने के लिए वो लोग क्या कर सकते हैं सर, कैसे आपके टच में रह सकते हैं? आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी है जफर हाशमी जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकता हूं, और इंस्टाग्राम के ऊपर ही मेरी प्रोफाइल के ऊपर ईमेल लिंक है, मैंने कॉल टू एक्शन बटन में ईमेल लिंक दिया है, अगर आप लोगों को अगर आपको किसी चीज की कोई जरूरत हो, अगर मैं इंस्टाग्राम पे अवेलेबल ना हूं तो आप मुझे सीधा मेल कर सकते हैं, मैं मेल का भी और मैसेज का भी फौरन रिप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कभी भी एनी टाइम आप मुझे मैसेज करके कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। जी शुक्रिया सर, जी 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 जरूर जरूर जी ओके।